नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्ध किसान मित्र में। आज जो मैं कृषि से संबंधित कुछ जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान हैं बहुत सारी समस्या से जूझ रहे हैं, और समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है कीटनाशक को लेकर के, और ख़ास करके ये जो मक्का का जो फसल है उसमें अभी कीट बहुत लग रहे हैं और बहुत सारे किसान उस कीट से परेशान है। तो मैं इसी से संबंधित अभी जानकारी बताने वाला हूँ कि इसका निदान कैसे निकाले। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानकारी एक दूसरे के पास शेयर भी करें, क्योंकि यही जानकारी शेयर करने के बाद हम इससे निवारण पा सकते हैं, अन्यथा इसका और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे मेन है कि आज मक्का का फसल में सबसे ज़्यादा कीट लग रहा है, सबसे ज़्यादा कीट प्रभावित हो रहा है, और ये कीट लगने का कारण मेन जो है वो है कि हम सभी लोग एक तो हाइब्रिड बीज लगाते हैं, और हाइब्रिड बीज में ऐसे भी वायरस होता है, कोई ना कोई वायरस उसके साथ आता है और वो वायरस कुछ दिन के बाद इफेक्टिव हो जाता है और उसका जो इम्यूनिटी होता है वो नहीं रहता है, जिसके कारण से उसमें कीट लग जाता है। तो सबसे मेन चीज़ है। और दूसरा कारण ये है कि हम सभी लोग कीटनाशक के साथ साथ खरपतवार नाशक का भी उपयोग करते हैं, और खरपतवार नाशक का जब हम उपयोग करते हैं तो खरपतवार दो तरह के होते हैं। एक खरपतवार ऐसे होते हैं जिसमें हमारे फसल में जो कीट लगते हैं, जो उस कीट को नाश करने वाले मित्र कीट भी रहते हैं, जो नुकसान करने वाले कीट को विनाश करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं। और जब हम खरपतवार का उपयोग करते हैं तो वो खरपतवार नष्ट होने के कारण वो मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आज ज़्यादातर मक्का में कीट लग रहे हैं, और इसका निवारण भी है। आज अगर हम इसको नहीं सोचे इसके बारे में और इसको ख़त्म नहीं करें तो आगे चल के हम इसका बहुत ही बड़े शिकार माने जाएंगे। तो इसका मेन कारण है कि हम सभी लोग को मक्का में कम से कम खरपतवार नाशक का उपयोग ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि मक्का का खरपतवार हम ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं, और बहुत सारे जगह पे ऐसे भी होता भी है। हम भी कृषि से ही जुड़े हुए हैं, हम भी खेती करवाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करवाते हैं, फिर भी फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप सभी लोग भी ध्यान दें, खरपतवार नाशी का उपयोग ना के बराबर करें, क्योंकि आप सभी लोग आज अगर इसका उपयोग करते हैं तो कल आपका ज़मीन का जो मिट्टी है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और जिसके कारण आने वाले टाइम में आपका ज़मीन बंजर हो जाएगी, और आपका आप सभी लोग के पास इसका रिजल्ट होगा। आज से कुछ दिन पहले फसल में उतना ज़्यादा कीट नहीं लगता था जितना अभी लग रहा है, और इस साल जितना लगेगा अगले साल इससे ज़्यादा कीट लगेगा। इसका कारण है कि हमारे ज़मीन में भी वो कीटनाशी, हमारे मित्र कीट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसको हम सभी लोग मार रहे हैं, और एक दिन अगर वो सारा ख़त्म हो गया तो मेरा ज़मीन बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा और हम उसमें से उपज नहीं ले पाएंगे। तो ये है मेरा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं है, आप सभी के जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कृपया इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं कोई डांस करके डाल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा लाइक उसको मिल रहा है, उस वीडियो के पीछे लोग जा रहे हैं जिस वीडियो से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को देखें, और सबसे मेन चीज़ है, आज युवा करता क्या है, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, और वो उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आज कृषि के क्षेत्र में हम बात करें, इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है एक कृषि के क्षेत्र में, और इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे उपजाने योग्य भूमि सबसे कम था, यानी 5% था, 95% वहाँ पे रेगिस्तान था, लेकिन आज वही इजराइल
उस रेगिस्तान पे अच्छे अच्छे फल और सब्जियां और अन्य उपजा करके, ना कि अपना जो खाद्यान्न है उसको पूरा कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे देश को भी बेच रहे हैं। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसका अनाज सबसे ज्यादा कीमत में बिक रहा है। इसका कारण यह है, आप सभी लोग गूगल सर्च भी कर सकते हैं, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ना के बराबर यूज होता है। वहाँ पे बायो पेस्टिसाइड का उपयोग करके जो भी बीमारी हो, जो भी समस्या हो, उसका निवारण किया जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं। वहाँ के युवा ज़्यादातर खेती पे फोकस करते हैं, कृषि से जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उसका एक बड़ी समस्या थी कृषि, और उसमें युवा ने योगदान दे करके उस समस्या को खत्म कर लिया। लेकिन वही मेरा भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के युवा खेती करना ही नहीं चाहते हैं। और कृषि से संबंधित अभी बहुत सारा वीडियो भी आ रहे हैं, अगर हम सभी लोग उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो शायद उन किसानों तक वो जानकारी पहुंच जाएंगे जो आज अनजान है। वो जाते हैं एकदम दुकान में, जाते हैं दुकानदार उसको जो भी दे दिया वो आराम से खेत में लेकर कर देते हैं। तो ये इसका एक दिन नुकसान बहुत बड़ा होगा, परिणाम बहुत बड़ा होगा। तो मैं खास करके सभी युवाओं से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग कृषि के कार्य से जुड़े, कम से कम पार्ट टाइम भी जुड़े। आपको कहीं जिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस काम को कर लिया। तो आप सभी लोग जुड़े और युवा की ताकत को दिखाएं, और अपनी कृषि की क्षेत्र को, और अपनी जो भारत की मेन पावर है कृषि, और जिस दिन आप अपने पावर पे फोकस कर दिए, उस दिन आपसे आगे और कोई नहीं भाग सकता। आज हम पावर पे फोकस नहीं कर रहे, जो भारत का पावर है, भारत का पावर खेती है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। और जब तक हम पावर पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते। डेवलपिंग कंट्री हम रह सकते हैं, लेकिन डेवलप नहीं हो सकते। यानी विकासशील से विकसित कंट्री में जाने के लिए जब तक हम अपनी पावर पे फोकस नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम सारे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग भारत की पावर के ऊपर फोकस करें, और इसी पावर से भारत दुनिया का फिर से विश्व गुरु बनेंगे, और दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री भी बनेंगे। जय हिंद।